आज हम बीजिंग के सबसे मशहूर चाय बाजार मालियांदाओ पे मौजूद हैं। अमन साहब हमारे लिए पाकिस्तानी दूध वाली चाय लाए हैं और हम कदीम चीन के तियनथा यानी सुंग खानदान के चाय बनाने के तरीकाकार का तजुर्बा करेंगे। यकीन है बड़ा मजा आएगा। प्रोग्राम में देखिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ नस्रीन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अमानुल्लाह खान। जी जनाब, क्या आपको पता है कि आज एक कौन सी जगह पे मौजूद है? नहीं, ये कुछ मुख्तलिफ सी इशारा है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। जी, आज हम मौजूद हैं चीन में एक बहुत ही मशहूर सड़क पे जिसका नाम है मालियांदाओ। यहाँ पे हजारों दुकानें मौजूद हैं जो चाय फरोख्त करती हैं। वाकई? जी, और यहाँ पे आप चीन की बेहतरीन अकसाम की चाय, खुदा के सारी दुनिया की चाय मिल सकती है। ज़बरदस्त, मैं तो काफ़ी अरसे से चाह रहा था कि किसी ऐसी जगह पे जाके ख़ुद देखूं कि कितनी अकसाम की चाय चीन में दस्तयाब हैं और क्या तरीक़ेकार है उनको बनाने का। अच्छा, इसलिए मैं आज आपको सैर करवाऊँगी और हम तजर्बा भी करेंगे कि चीन में जो चाय बनाने का कदीम तरीका। ज़बरदस्त, चले चले आइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज मैं एक पाकिस्तानी दोस्त जनाब अमानुल्लाह खान साहब को आपसे मिलने लाई हूँ, जो कि चाइनीज़ चाय से बहुत दिलचस्पी लेते हैं और हम चाइनीज़ चाय बनाने का तजुर्बा भी करना चाहते हैं। क्या आप बता सकती हैं कि आपके इस कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे टी हाउस में खुशामदीद। पहले मैं अपना तारुफ करा देती हूँ। मेरा नाम ई थेंग है और मैं दोंग फोंग जिया हूँ। मैं टी मास्टर हूँ। हमारा टी हाउस मालियांदाओ रोड के जनूबी दरवाजे पर वाके है। ये तकरीबन 20 साल पुराना है। रवायती चीनी सकाफत से मोहब्बत करने वाले बहुत से दोस्त यहाँ मुतल्लिका कोर्सेज के लिए आते हैं। हमारे यहाँ रोजमर्रा की चाय के सेट और चाय उबालने के लिए केतलियाँ दस्तयाब हैं। ये चाय का कप है, हमारे पास मुख्तलिफ साइज के चाय के कप हैं। ये ध्यान छा के लिए है, चाय की पत्ती पर मुतअद्दिद बार पानी डालना। ये हम आम तौर पर चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप तशरीफ रखें, शुक्रिया। जी जनाब, पाकिस्तान में लोग शौक से चाय पीते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में चाय पीने की क्या रवायत है? जी, पाकिस्तान में लोग चाय बड़े शौक से पीते हैं और मुख्तलिफ मौके पे चाय का इस्तेमाल होता है। सुबह नाश्ता चाय से होता है, उसके बाद अगर आप दफ्तर जाते हैं तो वहाँ भी लोग चाय पीते हैं। जो मजदूर या कारीगर लोग काम करते हैं वो भी जब बीच में ब्रेक लेते हैं तो चाय का इस्तेमाल करते हैं। खातिर तवाज़ों के लिए, मेहमानों के लिए चाय का इस्तेमाल होता है। चाय मुख्तलिफ अंदाज से तैयार की जाती है पाकिस्तान में, लेकिन एक रवायती तरीका जो कि बहुत पसंद किया जाता है, और अमूमन लोग चाय को पका के और दूध पत्ती चाय जो है वो बहुत मकबूल है पाकिस्तान में, और तमाम चाय खाने जो हैं उन पे इसी किस्म की चाय दस्तयाब होती है। घरों में और दफातर में आसानी के लिए आजकल लोग टी बैग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत आसान है। आप किसी भी इलेक्ट्रिक केटल से पानी इसमें डालें और चीनी और दूध डालें और चाय तैयार हो जाती है। लेकिन चाय खानों पर रिवायती अंदाज से चाय बनती है। अगर आप कहें तो मैं आपको उसका नमूना पेश करूं। जी ज़रूर। मेरे ख़्याल है कि थोड़ा सा पानी में जोश आना शुरू हो गया है, तो अब इसमें हम मिला देते हैं। यह क्या है? ये इलायची है। मैं इसमें साबुत भी आप डाल सकते हैं और क्रश करके इसको आप पीस के भी डाल सकते हैं। तो हम इसमें पिसी भी डालेंगे ताकि, तो वैसे ये तकरीबन तैयार हो गई है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और पका लेते हैं ताकि इसका रंग जो है, मेरा ख्याल है कि ट्राई करते हैं। इसमें आप पी के देखें, और आपको अगर चीनी कम लगे तो इसमें आप चीनी और ऐड कर सकते हैं।
इसमें चाय बहुत खुशबूदार है। जी, इसमें इलायची डाली थी तो उसकी वजह से इलायची की खुशबू है। ये एक रिवायती तरीका है जो पाकिस्तान में होटलों में चाय मिलती है, चाय खाने जो हैं इसी किस्म की चाय वो पकती रहती है, लोग आते रहते हैं और वो सर्व होती रहती है। और जैसे मैंने बताया कि दफातर में तरीके का डिफरेंट है क्योंकि सहूलत के हिसाब से टी बैग्स का इस्तेमाल होता है, घरों में लोग पका के भी इस्तेमाल करते हैं, वो इसमें दूध साथ में नहीं पकाते, खाली पानी में चाय की पत्ती बनाते हैं और उसके बाद जो है उसमें दूध ऐड कर लिया जाता है। और एक तरीका और भी है जो दम की चाय होती है, उसमें ये कि पानी को बॉईल किया जाता है, केटल को पहले गर्म पानी से थोड़ा केटल को गर्म किया जाता है, जो मैंने देखा है चाइनीज़ चाय के लिए भी इसी तरह से इस्तेमाल होता है। उसके बाद उसमें पत्ती डाल के, पानी डाल के और उसको टिकोजी ढक दी जाती है ताकि उसका रंग निकले, और उसके बाद उसमें दूध जो है हसबे जायका, हसबे मंशा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत पसंद है। मैं चाहूँगा कि आप उस्ताद से कहें कि हमें भी जो चीनी चाय, जो सब्ज चाय बहुत दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि मैं समझता हूँ, मैं हैरान हो गया यहाँ के, जो आपने थोड़ा मुख्तसरन इसके बारे में बताया, तो ये तो पूरी एक सकाफत है चीन की। और मुझे पता है कि मैं जब चीनी दोस्तों के यहाँ जाता हूँ तो वो किस तरह से तवाज़ो करते हैं सब्ज चाय से, तो मैं चाहूँगा कि जो रिवायती तरीका है सब्ज चाय बनाने का चीनी, तो वो भी हम आज सीखें और देखें और अपने पाकिस्तान में दोस्तों को भी बताएं कि चीन में किस तरीके से ये आर्ट चला रहा है जो कि सैकड़ों साल पुराना है और किस तरह से आज भी इसको सकाफत के तौर पे चीनी लोगों ने महफूज रखा। जी ज़रूर। आज हम चीन के सोंग खानदान 960 से 1279 के चाय पीने के तरीके का तजुर्बा करने जा रहे हैं। हम बहुत से ऐसे बर्तन इस्तेमाल करेंगे जो आजकल नायाब हैं, जैसे चाय के चम्मच, चाय के प्याले, बोतलें वगैरह, जो बुनियादी तौर पर चाय के सूप के लिए इस्तेमाल होते हैं। सोंग खानदान में इसे थोंग थी त्यान कहते थे, जो खास तौर पर पानी जमाने के लिए इस्तेमाल होता था। सबसे पहले चाय के बर्तनों को गर्म करने की ज़रूरत है। इसमें गर्म पानी डाल के इसको थोड़ा सा प्री हीट किया गया। हम सोयाबीन के साइज का चाय का पाउडर लेंगे और इसे कप के निचले हिस्से में डालेंगे और फिर कप से थोड़ा सा पानी डालते हैं। हम ये इसलिए करते हैं कि पानी और चाय की पत्ती मिक्स हो जाए और इस पे हम मजीद पानी डालेंगे और चाय के सूप को हिलाएंगे। चाय की पत्ती पर बार बार पानी डालने के बाद इस पर बहुत से बुलबुले नमूदार हो गए हैं। थांग के अवाखिर 607 से 918 और सोंग खानदानों में लोग चाय फेंटने के तरीके से मुकाबला कराते थे। इसके बाद महल को खराज तहसीन पेश करने के लिए बेहतरीन चाय का इंतखाब किया जाता। सोंग खानदान के बाद से चाय पीने का फन चीन के गैर मादी सकाफती विरसे में से एक है। अच्छा, और मैंने सुना है कि ये एक रिवायत है कि जो चाय पी जाती है या कोई भी मशरूबात, तो उसमें आवाज़ आती है, जैसे मैंने अभी पिया, तो ये एक चीनी रिवायत है। मैं पाकिस्तानी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ये चीन की एक ख़ास रिवायत है और इसको बुरा नहीं माना जाता। आमतौर पे पाकिस्तान में शायद इस तरह की आवाज़ अगर मशरूबात के वक्त आए तो लोग उसको नाज़ेबा हरकत समझते हैं। सबसे पहले हम मग में चाय की पत्ती डालेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, चाय की पत्ती का पेस्ट बना लेंगे, फिर हम कप का एक तिहाई हिस्सा पानी डालेंगे, इसे बहुत तेज़ी से आगे पीछे हिलाएंगे।
तेजी से फेंटे, इतना फेंटे कि इस पर बुलबुले नजर आने लगे। तेजी से, नहीं नहीं चक्कर न लगाएं, सामने पीछे की तरफ लगाएं, बहुत तेजी से लगाएं, बहुत तेजी से लगाएं, बाजू की ताकत से। बहुत थकावट है। मुश्किल काम है। मुश्किल है। तजर्बा चाहिए। पीना ज्यादा आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत है। मेरे तो हाथ में दर्द हो गया। बाजू में बहुत दर्द आ रहा है। जब ये तैयार कर लें तो कप के साथ साथ दरमियान की तरफ लाएं और इसे ऊपर उठा लें। इसका जायका चाय का थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो ये क्या है? किस से मुख्तलिफ है? जो पत्ती वाली चाय होती है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है तो ये इसका थोड़ा सा जायका बेहतर है। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सब्ज़ चाय के मुतालिक लोगों को इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। वो समझते हैं कि शायद एक ही किस्म की पत्ती होती है और उससे चाय बनाई जाती है, लेकिन मेरा चीन में 10 साल का जो तजर्बा है उसमें मैंने मुख्तलिफ जगहों पे चाय खानों में जहाँ चाय बिकती है वहाँ जाके देखा है, तो यहाँ पर बहुत मुख्तलिफ अकसाम की चाय दस्तयाब होती हैं और 100 रुपए से लेके कई हज़ार रुपए तक की चाय होती है। तो इसकी क्या वजह है? मैं चाहूँगा कि तरीका है चाय बनाने का न सिर्फ सब्ज़ चाय बल्कि ब्लैक टी, सफ़ेद चाय जी में भी मौजूद है, ऐसी चाय भी इसी तरीके से बनाई जा सकती है। मुख्तलिफ चाय का ज़खीरा होने का तरीक़ा कार भी मुख्तलिफ है, जैसा कि सब्ज़ चाय ताज़ा चाय बेहतर है, लेकिन सफ़ेद चाय या ब्लैक टी जितनी पुरानी है उतनी अच्छी है। आप लोगों की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। आप लोगों ने पहली बार चाय तैयार की है। मेरा ख्याल है कि रफ्तार के लिहाज से देखा जाए तो खातून ने चाय को तेज और यकसा तौर पर हिलाया और ज्यादा बुलबुले बनाए हैं। हमारे पाकिस्तानी दोस्त ने भी बहुत अच्छा किया, इसे कप में कई बार पानी डालना याद रहा। दोनों ने आज बहुत अच्छा किया है। आज यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ चीनी सकाफत के बारे में, और चीनियों ने अपनी सकाफत को जिस तरह से महफूज किया हुआ है और चाय बनाने के सब्ज़ चाय बनाने के मुख्तलिफ तरीक़े, मुख्तलिफ अकसाम और मुख्तलिफ तरीक़े मैंने सीखे, जिससे मेरी मालूमात में गिरा कदर इजाफा हुआ। मैंने बेशुमार दफ़ा चाइनीज़ चाय पी है, लेकिन आज मैंने पहली दफ़ा सोंग ख़ानदान के दियनछा यानी चाइनीज़ चाय बनाने का तरीक़ाकार का तजर्बा किया है। मुझे बहुत मज़ा आया है। इससे मुझे पता है कि जिम में हमारी चाय पीने की सकाफत कितनी पुरानी है, कितनी शानदार है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी पसंद करेंगे और आगे और अपने घर में भी इस तरह के चाय बनाने का तरीक़ाकार का तजर्बा करेंगे इंशाल्लाह। तो इसका जायका ज़रूर पाकिस्तानी चाय से मुख्तलिफ होगा और ज़रूर बहुत मज़ा आएगा। जी आज हमने चाय बनाने का रवायती तरीका का तजुर्बा किया, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, मालूमात में भी बहुत इजाफा हुआ और ये जान के खुशी हुई कि चीनी लोगों ने अपनी चाय बनाने की सकाफत को किस तरह से महफूज रखा हुआ है और कितने अकसाम की चाय और किस तरीके से बनाई जाती है। जी मुझे भी बहुत मज़ा आया, बहुत दिलचस्प तजुर्बा था, इसलिए उम्मीद है कि अगली दफ़ा फिर इस तरह का तजर्बा होगा।